जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बिडेन पावेल की लाइफ स्टोरी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम बिडेन पावेल की लाइव स्टोरी यानी बिडेन पावेल के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्काउट गाइड कोटे के तहत रेलवे एवं अन्य कई प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। एवं प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने उन सभी वीडियो का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिडेन पावेल के जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसकी जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिडेन पावेल। बिडेन पावेल के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड बिडेन पावेल का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 22 फरवरी 1857 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड बिडेन पावेल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 6 स्टेनपोल स्ट्रीट, लैंकास्टर, लंदन में। तीसरा प्रश्न है, बिडेन पावेल का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बिडेन पावेल। अगला प्रश्न हमारा है, बिडेन पावेल के प्रथम दो नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन किनके नाम पर पड़ा था? इनका उत्तर है उनके दादाजी के नाम पर। पांचवा प्रश्न है, परिवार में बीपी को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका उत्तर है स्टीफ या अस्टी। छठा प्रश्न हमारा है, बिडेन पावेल सभी भाइयों बहनों में किस स्थान पर था? इसका उत्तर है 8वें स्थान पर। सातवां प्रश्न है, बिडेन पावेल के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है प्रोफेसर हर्बर्ट जॉर्ज बिडेन पावेल। आठवां प्रश्न है, बिडेन पावेल के पिता किस विषय के प्राध्यापक थे? इसका उत्तर है ज्यामिति के। नवा प्रश्न हमारा है, बिडेन पावेल की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है हेनरिएटा ग्रेस स्मिथ। दसवां प्रश्न हमारा है, बिडेन पावेल के परदादा का क्या नाम था? इसका उत्तर है जोसेफ ब्रेवर स्मिथ। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, बिडेन पावेल के पिता का निधन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1860 ईस्वी में। 12 नंबर का प्रश्न है, जब बिडेन पावेल के पिता की मृत्यु हुई थी तो बीपी का उम्र क्या था? इसका उत्तर है 3 वर्ष। 13 नंबर का प्रश्न है, बीपी के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है वाशिंगटन। 14 नंबर का प्रश्न है, बिडेन पावेल को सबसे पहले किस स्कूल में प्रवेश दिलाया गया? इसका उत्तर है कैसिंगटन में, डेम स्कूल में। 15 नंबर का प्रश्न है, डेम स्कूल से बीपी आगे की पढ़ाई के लिए किस प्रारंभिक स्कूल में गए? इसका उत्तर है रोज हिल, टनब्रिज बेल। 16 नंबर का प्रश्न है, बीपी छात्रवृत्ति पाकर चार्टर हाई स्कूल में कब प्रवेश लिए? इसका उत्तर है 1870 में। 17 नंबर का प्रश्न है, बिडेन पावेल किस फाउंडेशन के तहत चार्टर हाई स्कूल में प्रवेश लिया? इसका उत्तर है गाउन बॉयज फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, गाउन बॉयज फाउंडेशन में
निर्धन व्यक्तियों के कितने बच्चे थे? इसका उत्तर है 40 बच्चे। 19 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल को स्कूल में किस नाम से पुकारा जाता था? इसका उत्तर है बेडिंग टावल। 20 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल के स्कूल का हेडमास्टर कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर हेग ब्राउन। 21 नंबर का प्रश्न है, बीपी चार्टर हाउस स्कूल से स्नातक कब हुए? इसका उत्तर है 1876 में। 22 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल सेना भर्ती परीक्षा में कब सफल हुए? इसका उत्तर है 1876 में। अगला प्रश्न है, बीपी सेना भर्ती के कैवेलरी में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसका उत्तर है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है, बेडन पावेल सेना भर्ती के इन्फेंट्री में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसका उत्तर है चौथा स्थान। 25 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल कैप्टन कब बने थे? इसका उत्तर है 1883 में। 26 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल किस उम्र में कैप्टन बने थे? इसका उत्तर है 26 वर्ष की आयु में। अब हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल को कितनी सैलरी मिलती थी? इसका उत्तर है 120 पाउंड। 28 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल की पिस्तौल की गोली से उसकी टांग कब जख्मी हो गई थी? इसका उत्तर है 1881 में। 29 नंबर का प्रश्न है, बीपी ने मस्कटरी इंस्ट्रक्टर का कोर्स कब किया था तथा उसमें वो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? इसका उत्तर है 1879 में, इसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 30 नंबर का प्रश्न है, बीपी ने पिग स्टेकिंग में नायाब कादिर कप कब जीता? इसका उत्तर है 1883 में। 31 नंबर का प्रश्न है, पिग स्टेकिंग में नायाब नादिर कप कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है मथुरा में। 32 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल मेजर जनरल पद पर किस उम्र में बने थे? इसका उत्तर है 43 वर्ष में। 33 नंबर का प्रश्न है, बीपी ने अपनी पहली पुस्तक कब और कौन सी लिखी थी? इसका उत्तर है 1884 में, रेकोनेसेंस एंड स्काउटिंग। 34 नंबर का प्रश्न है, बीपी के घोड़ी का नाम क्या था? इसका उत्तर है पेशंस। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में बीपी के पास जो कुत्ता था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है बीटल। अगला प्रश्न हमारा है, बेडन पावेल के चाचा का क्या नाम था? इसका उत्तर है सर एच ए स्मिथ। 37 नंबर का प्रश्न है, पिग स्टेकिंग और हॉग हंटिंग पुस्तक की रचना कब की? इसका उत्तर है 1889 में। 38 नंबर का प्रश्न है, बीपी को ब्रेवेट मेजर जनरल के रूप में पदोन्नति कब मिली? इसका उत्तर है 1888 में। 39 नंबर का प्रश्न है, एडवेंचर एज ए विंग सिपाही पुस्तक कब लिखी गई? इसका उत्तर है 1915 में। 40 नंबर का प्रश्न है, अशांति वन जनजाति का राजा कौन था? इसका उत्तर है प्रेम पे। 41 नंबर का प्रश्न है, बीपी अशांति में पायनियरिंग कार्य के समय कौन सी टोपी पहनते थे? इसका उत्तर है काउबॉयज की। 42 नंबर का प्रश्न है, बीपी ने बायां हाथ मिलाने की प्रथा किससे सीखी थी? इसका उत्तर है अशांति जाति के राजा प्रेम पे से। 43 नंबर का प्रश्न है, कुडू सिंह को बीपी के द्वारा गिलबेल पार्क में भेंट के रूप में कब सौंपा गया? इसका उत्तर है 1920 में। 44 नंबर का प्रश्न है, बीपी के द्वारा कुडू हॉर्न का अंतिम बार प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है 1929 में, एरो पार्क। 45 नंबर का प्रश्न है, बीपी ने डाउन फॉल ऑफ प्रेमपे नामक पुस्तक कब प्रकाशित किया? इसका उत्तर है 1896 में।
46 नंबर का प्रश्न है, बीपी के द्वारा पहली बार कुडू हॉर्न का उपयोग कब और कहाँ किया गया? इसका उत्तर है 1907 में प्रथम प्रायोगिक शिविर में। 47 नंबर का प्रश्न है, बीपी 5वीं ड्रैगन गार्ड्स का कमांड कब संभाले? इसका उत्तर है 8 अप्रैल 1897 में। 48 नंबर का प्रश्न है, मैपकिंग का युद्ध कब से कब तक चला था? इसका उत्तर है 13 अक्टूबर 1899 से 17 मई 1900 तक। 49 नंबर का प्रश्न है, मैपकिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका उत्तर है 217 दिन। 50 नंबर का प्रश्न है, बोअर्स की कितनी सैनिकों ने मैपकिंग को घेर लिया था? इसका उत्तर है 9000 सैनिक ने। ये थे बेडन पावेल की जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर। अन्य 50 प्रश्न उत्तर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे, इसलिए आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।